हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिफाई। आज भारत में डिजिटल पेमेंट और मनी ट्रांसफर का लेन देन काफी बढ़ चुका है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर में आपको अलग अलग ऐप्स जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, भीम, फोन पे आदि देखने को मिलते हैं। आज की इस कंपनी कंपैरिजन स्पेशल वीडियो में हम पेटीएम और फोन पे, इन दो ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम कंपनियों के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। यह दोनों भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप घर बैठे मोबाइल रिचार्ज से लेके गोल्ड परचेस तक कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम का मतलब होता है पे थ्रू मोबाइल। पेटीएम कंपनी को विजय शेखर शर्मा द्वारा इसकी पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिट द्वारा अगस्त 2010 को एक ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन आज पेटीएम एक पेमेंट बैंक ऐप बन गया है। वही दूसरी तरफ फोन पे ऐप आज 2020 में डिजिटल पेमेंट के लिए बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन बन चुकी है। फोन पे को यस बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि डिजिटल पेमेंट के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। फोन पे को समीर निगम और राहुल चरी द्वारा 2015 को शुरू किया गया था, लेकिन अप्रैल 2016 में फोन पे को फ्लिपकार्ट ने परचेस कर लिया और इसीलिए आज फ्लिपकार्ट को फोन पे की पैरेंट कंपनी माना जाता है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की, तब से डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसी का फायदा पेटीएम और फोन पे ने उठाया। साथ ही 2016 में जियो के मार्केट में आने के बाद इन ऐप का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वही फोन पे का हेडक्वार्टर कर्नाटका के कैपिटल सिटी बैंगलोर में स्थित है। अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन के मार्केट शेयर की बात करें तो पेटीएम का यूपीआई ट्रांजेक्शन मार्केट शेयर 5.93% है। वही फोन पे का मार्केट शेयर 24.91% है। इस लिस्ट में 59.75% मार्केट शेयर के साथ गूगल पे सबसे पहले नंबर पर है। दोस्तों, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त एक पेमेंट सिस्टम है, जिसमें एक स्मार्टफोन के जरिए किसी भी दो बैंक खातों के बीच ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। इसमें आपको बार बार अपना डेबिट कार्ड नंबर या फिर नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो पेटीएम ने फरवरी 2017 में खुद की पेटीएम मॉल ऐप और वेबसाइट शुरू की है, जहां से आप किसी भी प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बुकिंग कर सकते हो। वही फोन पे ने सारे ऑनलाइन ऐप्स अपने फोन पे ऐप में इंटीग्रेट किए हुए हैं। मतलब कि अगर आपको होटल बुकिंग करनी हो तो फोन पे ने ओयो रूम्स की ऐप इंटीग्रेट करके रखी है, जहाँ से आप ओयो ऐप का इस्तेमाल करके होटल बुकिंग कर सकते हो। अगर ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो पेटीएम की मोबाइल वॉलेट और यूपीआई बैंक ट्रांसफर की लिमिट 1,00,000 रुपये है। वही फोन पे की मोबाइल वॉलेट ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 रुपये है। वही यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 1,00,000 रुपये है। बता दें, पेटीएम और फोन पे यह दोनों भी एप्लीकेशन पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि इन एप्लीकेशन के यूपीआई की सिक्योरिटी NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज की जाती है। दोस्तों, अगर ऐप वॉलेट की बात करें तो पेटीएम और फोन पे, इन दोनों भी ऐप में आपको फोन पे वॉलेट की सुविधा मिल जाएगी। इन वॉलेट का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, टिकट बुकिंग जैसे कार्यों को मिनटों में घर बैठे कर सकते हो। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों ऐप के वॉलेट इतने भी सिक्योर नहीं है, इसलिए हो सके तो इन दोनों ऐप के वॉलेट में ज्यादा पैसे ना रखे। अगर नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें तो पेटीएम के कुल मिला के 350 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। वही फोन पे के कुल मिला के 218 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। दोस्तों, अगर डोनेशन की बात करें तो पेटीएम और फोन पे ने कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स को मदद करने के तौर पर पीएम केयर फंड्स में डोनेशन करना शुरू कर दिया है। बता दें, पीएम केयर्स फंड में जो भी उनके ऐप के जरिए डोनेशन करेगा, उसमें फोन पे और पेटीएम द्वारा और 10 रुपये जोड़े जाते हैं, और इस तरीके से पेटीएम ने 500 करोड़ रुपये डोनेट करने का एम रखा है। वही फोन पे ने 100 करोड़ रुपये डोनेट करने का एम रखा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो पेटीएम के लिए 20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। वही फोन पे के लिए कुल मिला के 1500 एम्प्लॉय काम करते हैं। चलिए दोस्तों, आखिर में इन दोनों कंपनियों के रेवेन्यू की बात करते हैं।
पेटीएम ने पिछले साल 2019 में 500 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 3,579 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वही फोनपे ने पिछले साल 2019 में 24 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 184 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप कौन से कंपनी का ऐप इस्तेमाल करना पसंद करते हो, पेटीएम या फिर फोन पे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत कब की थी। इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं एक ऐसी कंपैरिजन वीडियो के साथ एक नई वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।